आज पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नाम बदलने को लेकर विपक्ष को परेशानी हो रही है। हम सब ने किसी का नाम नहीं बदला है। भारत को पहले भी लोग भारत ही बोलते थे और लालू जी भी भारत का नाम लेते रहे हैं। यह भारत है और भारत में हम सभी लोग रहते हैं। पंडित चाणक्य ने भी भारत का सपना देखा था और गांधी जी ने भी भारत छोड़ो का नारा दिया था। वहीं ललन सिंह पर हमला बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने ललन सिंह और नीतीश जी का नाम कभी नहीं बदला। ललन सिंह और नीतीश जी ने खुद अपना नाम बदला है। लालू यादव ने खुद नीतीश कुमार का नाम बदलकर उनका नाम पलटू कुमार रखा है। आप लोग भारत नाम रख रहे हैं, उनको इतना ज्यादा है। देखिए, एक चीज स्पष्ट जान लीजिए, ये भारत है और भारत में हम रहते हैं। पंडित चाणक्य ने सपना देखा था इस देश का, उसका नाम भी भारत था। और महात्मा गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया था, उसका भी नाम भारत था। और स्वयं लालू प्रसाद जी ने कई बार कहा है कि हम भारत के रहने वाले हैं। तो लालू जी को ही, क्योंकि नीतीश जी के आज साथ आजकल साथ हैं, तो हो सकता है उनको भी पलटी मारने का आदत हो। ललन जी ने कहा है कि आप लोग हर चीज का नाम बदलकर अपने नाम पर रखना चाहते हैं। कहां हम लोगों ने ललन जी का नाम बदला है? बदला है? नीतीश जी का नाम बदला है? नहीं ना बदला है, वो स्वयं बदलते रहे हैं। ललन जी ने अपना नाम बदला था 2000 में, राजीव रंजन सिंह थे, और 2009 के चुनाव में राजीव रंजन सिंह उप ललन सिंह हो गए, तो उन्होंने नाम बदला। तो हमारे तो बड़े भाई हैं, तो हम लोग तो उन्हीं के अनुकरण को करते हैं। दूसरा कि नीतीश जी का नाम तो किसी ने बदला नहीं, उनके बड़े भाई ने कहा पलटू कुमार है, तो पलटू कुमार से बात की। मंत्री आ रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि 365 दिन